हेलो स्टूडेंट्स यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जे क्लासेस मेरठ माय नेम इज गोविंद सैनी स्टूडेंट जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे बीटेक थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हमारा एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है फ्लूड मैकेनिक्स एंड फ्लूड मशीन्स स्टूडेंट इसमें हमारी यूनिट चलिए थर्ड जिसमें जिस जो हमने यूनिट थर्ड जो थी वो हमने कल स्टार्ट की थी और इस यूनिट का नाम है लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो ठीक है तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे फ्लो में. तो वहां पे हमने देखा था कितना हमारा हेड लॉस हुआ था कितना हमारा डिस्चार्ज निकल के आया था तो इन सब के बारे में हमने वहां पर स्टूडेंट कल डिस्कस किया था तो आज स्टूडेंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं उस डेरिवेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स के बारे में क्या हमारे क्वेश्चन में हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछ सकता है तो कल जो हमने एक डेरिवेशन कराया था ठीक है सर्कुलर पाइप के लिए इन द लेमिनार फ्लो इसके ऊपर हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ठीक है तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आज की क्लास में ठीक है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए टोटल ऑफ ट्वेल्व लीटर पर सेकेंड ए टोटल ऑफ ट्वेल्व लीटर पर सेकेंड तो एक हमको डिस्चार्ज दे रखा है कितना ट्वेल्व लीटर पर सेकेंड का ठीक है ट्वेल्व लीटर पर सेकेंड ऑफ ऑयल इज पंपेड थ्रू टू पाइप इन पैरल वहाँ पे हमारा कोई ऑयल है कोई तेल है उस तेल का जो हमारा डिस्चार्ज दे रखा है वो ट्वेल्व लीटर पर सेकेंड दे रखा है फिर कह रहा है कि इज पंपिड थ्रू एट इज पंपिड मतलब उसको पंप कर रहे हैं मतलब पंप का, का काम क्या होता है पंप का, का काम होता है कि हमारे किसी लो प्रेशर को हाई प्रेशर में बदलना तो पंप आप लोगों ने देखा होगा वाटर पंप होते हैं जो जमीन के नीचे से पानी को ऊपर की तरफ निकालते हैं या फिर आपने देखा होगा एक बड़ा टैंक होता है उस टैंक के अंदर से अगर मुझे तेल बाहर की तरफ निकालना होता है तो वहाँ पे एक पंप का उपयोग करते हैं तो पंप को हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है ये जो क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल पावर को एक मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है और फिर मैकेनिकल पावर को एक हाइड्रोलिक पावर में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है पंप का काम होता है आपने नॉर्मली देखा होगा जनरल लाइफ में जैसे हमारा कूलर होता है तो कूलर में एक वाटर मोटर लगी होती है जो नीचे हमारा रिजर्व में पानी होता है उस पानी को नीचे से पाइप के थ्रू हमारे जो डक लगी होती हैं कूलर के साइड में वहां पे तो उसको गिराता है जिससे कि हमको वहां पे पानी को ठंडा करता है ठंडा करने से हमको हवा ठंडी आती है तो पंप का काम होता है कि हमारे एक मैकेनिकल पावर को एक हाइड्रोलिक पावर में कन्वर्ट करना बट लेकिन पंप को क्या करते हैं बाहर से हम पावर देते हैं और वो पावर जो होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर हो सकती है मैकेनिकल पावर हो सकती है ठीक है तो इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कोई भी कंटेनर में हमारा कोई ऑयल है उस ऑयल को क्या कर रहे हैं बाहर की तरफ निकाल रहे हैं और वहां पे बाहर की तरफ निकालने के थ्रू वहां पे उसके दो सेक्शन हो रहे हैं पाइप के तो क्वेश्चन में कह रहा है कि थ्रू ए पंप टू पाइप इन

एट द सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दे रखा है हमारी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो स्टूडेंट दे रखा है नाइन सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है कैलकुलेट द फ्लो रेट थ्रू इच पाइप एंड द पावर रिक्वायर्ड ऑफ द पंप यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है कि हमारा जो जो हमारे दोनों पाइप हैं उन दोनों पाइप में कितना हमारा ऑयल का जो फ्लो रेट है वो कितना फ्लो कर रहा है और दूसरा हमें यहाँ पे निकालना है अपने पावर को कि हमारा जो पंप है उसको हम कितनी पावर दे रहे हैं ठीक है स्टूडेंट तो क्वेश्चन में हमको दो चीज निकालने कैलकुलेट द फ्लो रेट थ्रू द ईच पाइप एंड द पावर रिक्वायर्ड ऑफ द पंप हमको पंप को कितना पावर देना पड़ेगा वो हमको यहाँ पे निकालना है तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या होता है क्वेश्चन को पढ़ना होता है क्वेश्चन को मैंने पढ़ दिया और क्वेश्चन को पढ़ने के अनुसार यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझको यहाँ पे एक थीम नजर आई इसकी मुझे एक थीम नजर आई कहने का मतलब क्या एक हमको क्या दिया एक यहाँ पे हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा तो डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट मान लीजिए एक पाइप मत एक पाइप तो ये हो गया ठीक है और दूसरा पाइप हमारा एक और होगा जो हम जहां से क्या करेगा वो वहां पे वहां से एग्जिट करेगा ठीक है तो मान लीजिए स्टूडेंट इस, इस तरीके से कोई हमारा पाइप है ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कोई हमारा पाइप है और यहां पे इसको देख लेते हैं पाइप बना है तो यहां पे एग्जिट भी करेगा वाटर तो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझने के दौरान ही हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको अच्छे से करेंगे ठीक है देखो तो क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई हमारा फ्लूट है जिसके अंदर एंटर कर रहा है ठीक है इसके एंड भी हम यहाँ पे क्या करते दे? हैं हटा देते हैं क्योंकि वाटर भी तो इधर के साइड से आएगा ठीक है तो हमारा कोई वाटर फ्लो कर रहा है इस साइड में और यहां से एग्जिट कर रहा है यहां से क्या कर रहा है एग्जिट कर रहा है तो यहां पे कह सकते हैं ऑयल इनलेट ऑयल इनलेट और ऑयल आउटलेट ठीक है हमारा जो ऑयल है वो इसमें इनलेट कर रहा है और यहाँ से दो पाइप से हमारा क्या कर रहा है ऑयल एग्जिट कर रहा है क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है क्वेश्चन में दो हमको पाइप दिए हुए हैं यहाँ से मान लीजिए हमारा जो चार्ज है वो क्यू यहाँ पे स्टूडेंट फ्लो कर रहा है और जब दो सेक्शन में डिवाइड कर जाएगा तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्यू वन हो जाएगा और यहाँ पे मान लीजिए हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट क्यू टू हो जाएगा समझ में आ गया भाई क्यू हमारा कोई चार्ज है उसको दो सेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया क्यू वन में और क्यू टू में और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पाइप का जो डायमीटर है वो हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे इसको देख सकते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा एक पाइप का डायमीटर कितना दे रखा है तो 12 लीटर पर सेकेंड तो इसमें हमारा फ्लो कर रहा है, ये 12 लीटर पर और जो नीचे वाला पाइप है वो हमारा दस सेंटीमीटर दे रखा है इसको मैंने मान लिया दस सेंटीमीटर मान लिया ठीक है और कह रहा है जो पाइप है वो कैसे हैं हंड्रेड मीटर है कितने वन थाउजेंड मीटर लॉन्ग 1000 मीटर लॉन्ग है ठीक है दोनों ही पाइप की जो लंबाई है वो 1000 मीटर लंबी है और क्या है, है और कैलकुलेट अदर पावर रिक्वायरमेंट ऑफ पंप हमको क्या क्या वैल्यू हमको दे रखी है ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे क्यों हमको दिया हुआ है स्टूडेंट कितना दे रखा है बारह लीटर कितना दे रखा है बारह लीटर पर सेकेंड दे रखा है 12 लीटर पर ठीक है बारह लीटर पर सेकेंड दे रखा है फिर कह रहा है कि हमको जो डायमीटर दे रखा है डी वन दैट इज द सेंटीमीटर और जो डी टू की वैल्यू हमको दे रखी है स्टूडेंट हमको टेन सेंटीमीटर दे रखी है कितनी दे रखी है टेन सेंटीमीटर ओके और हमारे जो पूरी लेंथ दे रखी है वो वन थाउजेंड कितनी दे रखी है मीटर दे रखी है वन थाउजेंड मीटर कितना दे रखा है स्टूडेंट वन थाउजेंड मीटर दे रखा है फिर कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल

फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्लो रेट हमको फ्लो रेट बताना है कितना कितना होगा डैट इज द क्यू वन और क्यू टू की वैल्यू को हमको बताना है किसको बताना है क्यू वन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्यू टू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है फिर हमको बताना है यहाँ पे पावर रिक्वायर्ड कितना पावर हमको चाहिए वो भी हमको यहाँ पे बताना है तो स्टूडेंट इतना सब कुछ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है और वहाँ पे डायग्राम हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया ठीक इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या करना है dynam, इसको बनाया ठीक है काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारी होती है इसका फॉर्मूला क्या होगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारी म्यू आ, आ, म्यू अपॉन रो होता है आई थिंक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर अपॉन केजी पर मीटर स्क्वायर ठीक है यहाँ पे कुछ इसमें आई थिंक इसकी जो यूनिट है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी की इसका कुछ और होता है यहाँ पे ध्यान नहीं रहा ठीक है यहाँ पे कुछ और होगा ठीक है मेरे ध्यान से नहीं आ रहा है मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट ठीक है अभी यहाँ पे जो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है उसका जो यूनिट होता है वो हमारे यहाँ पे कुछ और होता है तो चलो आगे की तरफ देखते हैं बाद में उसको देखेंगे

इसको 12 माना है तो उसको 10 मान लो इसको 12 मान लो ठीक है अपने तरीके से मानना है कुछ इसमें कोई अंतर नहीं करना है लेकिन जो वैल्यू हमारी वैलिड है उन वैल्यू को हम वैलिड रखेंगे ठीक है स्टूडेंट तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या करा सारी वैल्यू को पुट करा और पुट करने के बाद हमने हमने जो भी दे रखा है उसको यहां पे लिख दिया चलो आगे बढ़ते हैं आगे कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे ये डिस्चार्ज को देखेंगे ठीक है नाउ बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन कंटिन्यूगेशन हमारा क्या है यहां पे जो क्यू है वो डैट विल बी इक्वल्स टू द क्यू

पावर क्यूब पर सेकंड होता है ठीक है ठीक है वन लीटर बराबर यहाँ पे तो डिस्चार्ज हो गया ये इतना होता है कहने का मतलब क्या होता है वन लीटर में हमारे वन थाउजेंड मीटर क्यूब होते हैं कितने होते हैं वन थाउजेंड मीटर क्यूब अब यहाँ पे हमको क्या करना है यहाँ पे अपनी वैल्यू को चेंज करना है यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट अपनी वैल्यू को चेंज करना है और चेंज करके यहाँ पे क्या रखना है अपनी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे ठीक है अपनी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे वन लीटर बराबर कितना होता वन थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब होता है लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूँ किसमें मीटर में तो वन लीटर बराबर हमारा कितना होता है स्टूडेंट वन लीटर बराबर वन अपॉन वन थाउजेंड मीटर क्यूब होता है कितना होता है वन अपॉन वन थाउजेंड मीटर क्यूब आपको ये वैल्यू भी स्टूडेंट याद रखनी पड़ेगी मैंने जब आप यूनिट फर्स्ट को मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम भी मैंने आपको यह बताया था कि वन लीटर में कितने क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होता है कितना मीटर क्यूब होता है तो अगर आप यहां पे ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन नहीं हो कर पाएगा नहीं कर पाओगे ठीक है तो यहां पे ट्वेल्व लीटर दे रखा है तो वन लीटर को मैंने किसमें कन्वर्ट किया मीटर में कन्वर्ट करा तो यहां पे मेरा कितना निकल ट्वेल्व अपॉन वन थाउजेंड हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन वन थाउजेंड मीटर क्यूब पर सेकेंड और मीटर क्यूब पर सेकेंड जो यूनिट होती है वो हमारी डिस्चार्ज की होती है किसकी होती है इसमें डिस्चार्ज की होती है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा डिस्चार्ज को कन्वर्ट करा मीटर क्यूब पर सेकेंड में जो वैल्यू निकल के आई बारह अपॉन वन थाउजेंड यहाँ पे इसको सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो कितना हो जाएगा मीटर इसको वन से सॉरी यहाँ पे सो, सो से डिवाइड करेंगे इसको क्योंकि सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर बराबर हमारे कितने होते हैं एक बटा सौ मीटर होते हैं कितने होते हैं स्टूडेंट एक बटे सौ मीटर तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको सौ से डिवाइड करेंगे तो सौ से डिवाइड करने पर वन जीरो पॉइंट वन टू मीटर हो जाएगा और इसी तरीके से जीरो पॉइंट वन जीरो मीटर हो जाएगा ये ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है और सारी चीज़ें हमको दे रखा है अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा स्टूडेंट नाइन इंटू टेन की पावर माइनस के फोर

अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसको मैंने किस में कन्वर्ट कराया मीटर में कन्वर्ट करा है ना अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा इसमें हजार से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से हजार से मल्टीप्लाई करेंगे अगर मैं इसको यहाँ पे क्या हूं? को? को कर रहा हूँ क्यूँ को मतलब लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ लीटर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे देखेंगे हमने Q को किस में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर तो मैंने 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीज क्यू वन प्लस इक्वेशन मैंने फर्स्ट हाँ हाँ मान लिया ठीक है अब यहां पे बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे क्यू वन और क्यू टू है आर इन सेंटीमीटर क्यू पर सेकेंड ठीक है यहां पे जो हमारा ये क्यू और क्यू है तो हेंस हैं आर इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड किसमें सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में, में है? ठीक है यहाँ पे मैंने मीटर में नहीं रखा है ये इसको सेंटीमीटर में रखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में इसको मैंने रखा है, ठीक है? तो यहां पर फ्लो इन द बोथ पाइप एज्यूमिंग एज्यूमिंग लैमिनार फ्लो इन बोथ पाइप इन बोथ पाइप कि हमारे जो दोनों पाइप हैं जो पैरल है वो उसमें हमारा जो फ्लू है कैसा लेमिनार फ्लू है ठीक है द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन यहां पे देखेंगे द प्रेशर डिफरेंस द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन यहां पे देखेंगे स्टूडेंट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम इन द सेम डायरेक्शन तो हमने क्या करा स्टूडेंट यहां पे ध्यान देंगे यहाँ पे ध्यान देंगे ये जो हमारा डायग्राम है इसमें मैंने क्या करा यहाँ यहां इसको यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट मान लिया और यहाँ पे इसको सेक्शन मैंने सेकेंड मान लिया ठीक है तो सेक्शन फर्स्ट और सेकंड पे देखेंगे यहाँ पर अपना प्रेशर डिफरेंस देखेंगे हमारा फर्स्ट और सेकंड में कितना हमारा प्रेशर डिफरेंस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट हम जानते हैं जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया था फॉर्मुले के ड्राइव के अकॉर्डिंग तो वहां पे, हाँ पे हाँ जो हमारा जो हाँ प्रेशर डिफरेंस निकल के आया था डेल पी इक्व हमारा प्रेशर डिफरेंस निकल के आया था स्टूडेंट क्या थार्टी टू म्यू वी एल अपोन म्यू वी एल अपोन डी वन का स्क्वायर ठीक है डी वन का स्क्वायर तो बात करते हैं हमारा जो एक कहने का मतलब क्या है यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा डेट विल बी सेम तो यहाँ पे जो पाइप है मतलब पाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लेते हैं हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पे हमारा सेम तो मैंने क्या करा डी एल होगी और डी टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट डी टू का स्क्वायर क्योंकि हमारा जो प्रेशर डिफरेंस है दोनों ही सेक्शन पर कैसा है स्टूडेंट हमारा सेम है दोनों ही सेक्शन पर हमारा क्या स्टूडेंट सेम है ठीक है अब बात करते हैं आगे बात करते हैं नाउ नाउ बाय इक्वेशन हमने कल डिफाइन किया था कि हमारी जो वेलोसिटी होती है वो हमारी स्टूडेंट क्या होती है हमारी जो वेलोसिटी होती है मतलब हमने दिखाता था क्योंकि हम जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमारा क्यू बराबर हमारा क्या होता है एरिया इंटू वैलिटी होती है एरिया इन टू और क्यू बराबर हमारा हो जाएगा पाई बाई फोर और d का स्क्वायर, सॉरी d का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है इनटू v1. अगर मैं ऐसे v की वैल्यू को फाइंड आउट को तो v की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4q अपॉन पाई d की पावर 2. कितना हो जाएगा 4q अपॉन पाई d की पावर 2 हो जाएगा. तो इस कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी होगी v1 � मतलब हमारा जो डिस्चार्ज होगा दैट इज द क्यू वन और पाई उसका डायमीटर हो जाएगा डी वन का स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे हम बात करेंगे वी टू की अगर मैं बात करू वी टू जाएगा फोर क्यू टू अपॉन पाई डी टू का स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट पाई D2 का स्क्वायर हो जाएगा ओके okay, स्टूडेंट अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर ये वाले इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए इसको हमने इक्वेशन नंबर मान लिया सेकंड ठीक है नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड नाउ इक्वेशन या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकेंड सेकेंड को दोनों में को मैंने इक्वल रखा तो इक्वल रखने पर मेरा क्या आया स्टूडेंट यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे स्टूडेंट की थर्टी टू म्यू वी वन एल अपोन हमारा कितना था डी वन का स्क्वायर इक्व टू थर्टी टू म्यू अपॉन का स्क्वायर तो यहां पे देखेंगे थर्टी टू म्यू थर्टी टू म्यू कैंसिल एल से क्या बचेगा स्टूडेंट हमारा ये बचेगा तो वी वन अपॉन डी वन का स्क्वायर इक्वस टू वी टू अपॉन डी टू का स्क्वायर हमारा यहाँ पे बचेगा ठीक है नाउ अब क्या करेंगे यहां पर ये वाली v1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो नाउ Substitute now substitute the value of v1 and v2 v1 and v2 in above equation in above equation ठीक तो है तो यहाँ पे हम क्या करें v1 की value कितनी है 4q1 तो यहाँ पे रखेंगे तो 4q1 upon 4q1 v1 की value 4q1 upon pi d1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे डी वन का स्क्वायर की पावर फोर हो जाएगी समझ में आ गया इक्वल इसी इस तरह से करेंगे तो फोर क्यू टू अपॉन पाई डी टू का हमारा हो जाएगा फोर कितना हो जाएगा स्टूडेंट पाई डी पाई डी टू का स्क्वायर हो जाएगा हमारा फोर ठीक है स्टूडेंट समझ में आ गया अब यहां पे क्या करेंगे देखो फोर पाई

फोर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी टू अपन डी वन की पावर फोर अगर मैं यहां पे बात करता हूं स्टूडेंट अगर मैं यहां पे वैल्यू को निकालू अपनी अगर मैं यहां पे वैल्यू को निकालू क्यू टू तो की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट कर तो क्यू टू की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी क्यू टू इक्वस टू तो क्यू टू मेरा उधर चला जाएगा Q2 इधर चला जाएगा इधर क्या बचेगा मेरा Q1 और ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा D2 टू अपॉन डी का पावर फोर हो जाएगा कितना हो जाएगा D Q Q1 वन बराबर डी टू अपॉन डी की पावर फोर हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या करेंगे नाउ नाव चलो मैं यही कर देता हूं इधर के साइड में नाउ नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v1 वन एंड वी टू इन इक्वेशन इन अबब इक्वेशन ठीक है तो मैं यहां से इसको काट रहा हूं हाँ जी बच जाएगी ना हमारी तो यहां पे करेंगे इसको स्टूडेंट पर देखेंगे इसको यहां पर नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q2 टू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो फर्स्ट नंबर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आई थी स्टूडेंट देखेंगे यहां पर फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी दिख रही है आपको फर्स्ट बारह इंटू वन थाउजेंड तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट बारह बारह मल्टीप्लाईजेंड तो किस क्यू वन प्लस तो यहाँ अब यहाँ पे क्या करेंगे क्यू टू की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्यू टू की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है क्यू टू की वैल्यू निकल के आए स्टूडेंट हमारी क्यू वन डी टू अपॉन डी वन की पावर फोर तो यहाँ पे लिखेंगे यहां पे लिखेंगे क्यू वन ये हमारा क्यू वन है क्यू वन डी टू अपॉन डी वन की पावर फोर निकल के आइए ठीक है समझ में आ गया समझ में आ गया अब यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट तो हम ट्वेल्व मल्टीप्लाईजेंड इक्वल क्यू वन प्लस के क्यू वन यहां पे बात करेंगे D2 upon D1. तो हमारा पहले मैंने किसको माना था यहां पे देखेंगे क्वेश्चन में डी वन अपॉन डी टू की वैल्यू डी टू अपॉन डी वन की वैल्यू क्या है तो डी टू की वैल्यू देखेंगे स्टूडेंट डी टू की वैल्यू क्या आएगी हमारी तो हमने यहां पे देखेंगे तो डी टू हमारा कितना है टेन सेंटीमीटर तो देख सकते हैं डी टू हमारा टेन सेंटीमीटर है ठीक है हमको मीटर में नहीं लेना सेंटीमीटर में लेना है क्योंकि अभी हमने जो चार्ज रखा था जो फ्लो रेट रखा था वो सेंटीमीटर क्यूब में था तो हमको अभी सेंटीमीटर में रखना है ठीक है मीटर का कोई अभी यहाँ पे वेरिएशन नहीं है मैंने केवल चेंज करके आपको दिखाया था क्या क्योंकि बाद में फिर मैं चेंज आपको सीधे कर दूंगा ठीक है तो केवल हमको सेंटीमीटर वाली वैल्यू को देखना है क्योंकि वहां पे हमने जो डिस्चार्ज लिया था वो सेंटीमीटर में लिया था तो टेन सेंटीमीटर हमारा डी है तो डी टू अपॉन डी बन है तो टेन अपॉन ट्वेल्व हो जाएगा कितना हो जाएगा टेन अपॉन ट्वेल्व

टेन डिवाइड बाई ट्वेल्व तो जीरो पॉइंट एट थ्री किसकी पावर कर देंगे इसकी पावर कर देंगे फोर तो यहाँ पे वैल्यू होगी जीरो पॉइंट फोर एट जीरो पॉइंट फोर एट जीरो पॉइंट फोर एट इतना मान लीजिए आप ठीक है यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ ट्वेल्व इंटू वन थाउजेंड

इक्वल तो यहाँ पे हमारा जो Q1 की वैल्यू निकल के आएगी डेट विल बी जी एट पॉइंट जीरो नाइन फाइव जीरो नाइन फाइव सेवन जीरो एट पॉइंट जीरो नाइन फाइव सेवन और ऊपर बचेगा हमारा यहाँ पे वन थाउजेंड कितना बचेगा स्टूडेंट वन थाउजेंड बचेगा कितना बचेगा वन थाउजेंड बचेगा ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेट इज़ द क्यू वन तो यहाँ पे बात करते हैं Q1 बराबर इसकी मल्टीप्लाई करूंगे क्यूब तो पर सेकंड क्यू ठीक है अगर यहां पे बात करूं इसको मैं किस में कन्वर्ट करू किसमें इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट लीटर में अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को कन्वर्ट करता हूँ लीटर में तो लीटर में क्या करना पड़ेगा तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम हाँ उसको क्या करेंगे यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो हम जानते हैं वन लीटर बराबर कितना होता है सेंटीमीटर की पावर थ्री होता है तो वन थाउजेंड सेंटीमीटर की पावर थ्री तो यहाँ पे भी हमारा सेंटीमीटर की पावर थ्री है किसमें है स्टूडेंट हमारा ये यहाँ पे भी हमारे जो वैल्यू है अगर मैं इसको वन लीटर में कन्वर्ट कर दू तो क्या हो जाएगा एट पॉइंट जीरो नाइन फाइव सेवन लीटर पर सेकेंड हो जाएगा समझ में आ गया कैसा आया देखो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड मतलब सेंटीमीटर की क्यूब इसमें अगर मैं हजार से मल्टीप्लाई करूंगा तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो मैंने इसमें हजार से डिवाइड कर दो तो तो कहने मतलब यहाँ पर ये है और ये वाला जो हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर थ्री तो हमारा यू गया समझ में आ गया ना ठीक है तो अब बात करेंगे अगर मैं बात करता हूँ क्यू की तो क्यूब बराबर हमारा कितना दे रखा है बारह लीटर पर सेकंड दे रखा है बारह लीटर पर सेकंड तो क्यू दे रखा है क्यू दे रखा है तो यहाँ पे देखेंगे हम जानते हैं वी नो डेट हम क्या जानते हैं स्टूडेंट क्यू बराबर हमारा क्या है क्यू वन प्लस क्यू टू है क्यू वन प्लस क्यू टू है तो क्यू टू की अगर मैं वैल्यू को निकालू तो क्यू टू बराबर हमारा कितना हो जाएगा क्यू माइनस के क्यू वन हो जाएगा क्यू माइनस के क्यू वन और क्यू वन की वैल्यू हमको दे रखी है बारह और क्यू और हमको क्यू वन की आई है एट पॉइंट जीरो नाइन फाइव सेवन और यहाँ पे बात करते हैं क्यू टू की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी बारह में से माइनस कर देंगे इसको तो आएगा थ्री पॉइंट नाइन जीरो थ्री पॉइंट नाइन जीरो फोर 3.904 और ये भी किस में आएगी स्टूडेंट लीटर पर सेकंड में लीटर पर सेकंड में निकल के आएगी ठीक है तो समझ में आगे क्यू वन क्यू टू और क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है ठीक है समझ में आ गया इतना अब आगे की बात करते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं आगे देखेंगे स्टूडेंट अब बात करेंगे किसके बारे में वैलुसिटी के बारे में किसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट वैल्यूसिटी के बारे में बात करेंगे ठीक है तो मैं यहां पे लाइन काट देता हूँ रेड लाइन से जा जिससे कि आपको पता चल जाए ठीक है अब इसके नीचे का तरफ नीचे की तरफ करेंगे यहाँ पर ठीक है इसके नीचे की तरफ करेंगे क्वेश्चन को या ये इतना इधर काफी बड़ा क्वेश्चन है तो इसके नीचे ही कर लेते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे क्या करेंगे तो सेकेंड नेक्स्ट स्टेप है हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सेंटीमीटर डायमीटर पाइप देखें तो वेलोसिटी वेलोसिटी फ्लो इन टेन सेंटीमीटर पाइप जो हमारा टेन सेंटीमीटर का पाइप है उसमें कितना वैल्यूसिटी होगा दैट इज द द तो तो फ्लो इन सेंटीमीटर सेंटीमीटर पाइप पाइप हमारा जो 10 pipe है हमने उसमें क्या माना था उसको मतलब टू माना था तो यहाँ पे क्या करेंगे वी टू की वैल्यू को निकालेंगे तो वी टू बराबर अभी हमने आपको बताया था हमारा फोर्मूला क्या होता है फोर क्यू टू अपॉन पाई डी टू का स्क्वायर पाई डी टू का स्क्वायर ठीक है समझते समझ रहे हो ना क्यू वन बराबर

सेंटीमीटर में निकालेंगे, निकालेंगे? तो तो डिवाइड तो कर देंगे तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे तो किस हो गया सेंटीमीटर में हो गया कहने का मतलब क्या है यहां पे अगर मैं एक हजार से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा यह समझ में आ गया समझ में आ गया ठीक है तो पाई थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई ड्यू टू की पावर टेन सेंटीमीटर तो टेन सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी निकल पाएगी थ्री पॉइंट नाइन जीरो फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई वन थाउजेंड इक्वल डिवाइड बाई करेंगे थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई टेन इक्वल ब्रैकेट क्लोज इक्वल फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन थ्री फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन थ्री सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड होता तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड वी टू की वैल्यू हमारे कितनी निकल गई फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन थ्री 49.73 सेंटीमीटर पर सेकंड या इसको आप किस में कर सकते हो मीटर में निकाल लो या इसको किस में कर सकते हो मीटर में निकाल लो ठीक है कोई नहीं आपको यहाँ पे फिर कंफ्यूज होगा आप लोगों को तो इसको मैंने यहाँ पे क्या अगर अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा तो यहां पे क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक हजार से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक हज़ार से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे ना तो सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जीरो मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड दोनों वैल्यू में आंसर को लिख रहा मीटर मीटर पर सेकंड में भी और सेंटीमीटर पर सेकंड में इसको दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूज नहीं होना ठीक है स्टूडेंट चलो आगे देखते हैं वी वन की वैल्यू को निकालेंगे किसकी वैल्यू को निकालेंगे वी वन की वैल्यू को निकालेंगे तो वी वन की वैल्यू को निकालने के लिए क्या के करेंगे यहां पर देखेंगे तो वी की वैल्यू को निकालने के लिए, के लिए देखेंगे हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन पर सेंटीमीटर पाइप तो वेलोसिटी फ्लो इन ट्वेल्व सेंटीमीटर पाइप तो ट्वेल्व सेंटीमीटर पाइप में वेलोसिटी को देखेंगे तो वहां पे क्या देखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं स्टूडेंट कि हमारा जो वी वन अपॉन वी टू था दैट इज द वी वन अपॉन वी टू इक्वल था किसके डी टू अपॉन डी वन के स्क्वायर के d2 टू अपॉन डी के स्क्वायर अभी पीछे हमने सोल्व किया था अभी पीछे हमने सोल्व किया था ना तो यहाँ से हम क्या करेंगे v1 की वैल्यू को निकालेंगे किसकी वैल्यू को v1 की वैल्यू को तो v1 बराबर हो जाएगा हमारा v2 और ये हो जाएगा d2 टू अपॉन डी का हमारा इस स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे v2 की वैल्यू आई है 0.4973973 और d2 की वैल्यू हमारी कितनी है हमारा 10 है और d1 का वैल्यू हमारा 12 है तो इसकी पावर हो जाएगा 2 तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट v2 की वैल्यू हमारी सॉरी v1 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी तो v1 बराबर हमारा निकल के आएगा यहां पर तो ये आएगा हमारा स्टूडेंट अगर तो यहां पे मैंने वैल्यू मीटर पर सेकंड में ये मीटर पर सेकंड वाला है तो यहां पे देखेंगे तो 10 12 की पावर टू इक्वल मल्टीप्लाई पॉइंट फोर नाइन सेवन थ्री इक्वल तो वैल्यू आएगी स्टूडेंट जीरो पॉइंट थ्री फोर फाइव मीटर पर सेकंड में आई किस में आएगी मीटर पर सेकंड में तो वीवन की वैल्यू कितनी आई जीरो पॉइंट थ्री फोर फाइव मीटर पर सेकंड हमारे यहां पर वैल्यू निकल के आई ठीक है स्टूडेंट अब स्टूडेंट यहाँ पे बात करते हैं प्रेशर ड्रॉप के बारे में किसके बारे में प्रेशर ड्रॉप के बारे में तो यहाँ पे बात करेंगे नाव तो बात करेंगे यहां पे स्टूडेंट प्रेशर ड्रॉप के बारे में तो नाउ नाउ प्रेशर ड्रॉप ठीक है प्रेशर ड्रॉप देखेंगे स्टूडेंट यहां पर हमार प्रेशर ड्रॉप देखेंगे हंड्रेड मीटर लेंथ ऑफ टेन सेंटीमीटर पाइप में मतलब प्रेशर ड्रॉप देखेंगे हम किसमें हम देखेंगे टेन सेंटीमीटर पाइप में प्रेशर ड्रॉप हमारा कितना होगा उसके बारे में यहां पे स्टूडेंट क्या करेंगे डिस्कस करेंगे ठीक है तो प्रेशर ड्रॉप इन द हंड्रेड मीटर लेंथ ऑफ टेन सेंटीमीटर पाइप ठीक है तो यहां देखेंगे प्रेशर ड्रॉप वन थाउजेंड मीटर लेंथ ऑफ पाइप इन 10 सेंटीमीटर पाइप तो प्रेशर ड्रॉप देखेंगे स्टूडेंट कितने में 10 सेंटीमीटर वाले पाइप में तो प्रेशर ड्रॉप हम जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है डेल पी डेल पी इक्वल्स टू कितना होता है स्टूडेंट डेल पी इक्वल्स टू थर्टी म्यू वी टू एल अपॉन डी टू का स्क्वायर ठीक है तो 32 म्यू वी टू एल अपॉन, अ, अपॉन का स्क्वायर कितना हो जाएगा डी का स्क्वायर अभी पीछे हमने क्वेश्चन फॉर्मुला लिखा था नहीं ये वाला ठीक है यहाँ पे हो जाएगा डी का स्क्वायर अब यहाँ पे देखेंगे हेड लॉस देखेंगे तो हेड लॉस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हेड लॉस तो कल भी मैंने आपको बताया था हेड लॉस जो होता है दैट इज द एच एल होता है और एच एल बराबर होता है डेल पी अपन हमारा गामा क्या होता है स्टूडेंट डेल पी अपन गामा होता है तो हमने कल ये दिखा ध्यान दिया था डेल पी अपन गामा यहाँ पे बात करेंगे तो डेल पी की अगर मैं वैल्यू को पुट करूँ तो दैट इज द थर्टी टू न्यू वी टू एल अपॉन गामा डी टू की पावर स्क्वायर हो जाएगा गामा डी टू के पावर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है और स्टूडेंट यहां तो पे हम जानते हैं कि हमारा जो गामा होता है नाउ नाउ वी हैव

डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर हमको क्या करना है हमको क्या निकालना है डेंसिटी ऑफ द ऑयल की निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालूंगा तो डेंसिटी ऑफ ऑयल तो डेंसिटी ऑफ ऑयल की निकालूंगा तो डेट विल बी बीक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर ठीक है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको क्वेश्चन में दी हुई है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको क्वेश्चन में दी हुई है उसकी वैल्यू कितनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी की स्टूडेंट जीरो पॉइंट नाइन सेवन दे रखा है कितना दे रखा जीरो पॉइंट नाइन सेवन तो यहां पे बात करेंगे जीरो पॉइंट नाइन सेवन मल्टीप्लाई वाटर की डेंसिटी होती है वन थाउजेंड इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट नाइन सेवन जीरो कितना जाएगा नाइन सेवन जीरो कितना जाएगा नाइन सेवन जीरो के जी पर मीटर क्यूब जी पर मीटर क्यूब हमारे यहां पे क्या निकल के आएगा ये हमारी ऑयल की डेंसिटी निकल के आएगी क्या निकल के आएगी स्टूडेंट ऑयल की डेंसिटी निकल के आएगी तो यहां पे देखेंगे कि पॉइंट नाइन सेवन मल्टीप्लाई वन थाउजेंड इक्वल हमारा नाइन नाइन सेवन जीरो निकल के आएगा नाउ नाउ अब क्या बात करेंगे कि हमारा जो गामा बराबर होता है हमारा रो इंटू जी होता है तो रो की वैल्यू आई नाइन सेवन जीरो मल्टीप्लाई जी की वैल्यू होती है नाइन पॉइंट एट वन और यहाँ पे हमारा जो गामा की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी निकल के आई इस नौ सौ सत्तर मल्टीप्लाई नाइन पॉइंट एट वन इक्वल नाइन फाइव नाइन फाइव वन

रो और डी टू का स्क्वायर कितना था डी टू का स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे म्यू की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है तो म्यू की वैल्यू हमको दे रखा है हमको दे रखी है ना हमको दे रखा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा इसको अलग करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैंने क्या करा इसको म्यू v2l अपॉन हमारा हम जानते हैं गामा बराबर क्या होता है रो जी होता है तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया रो जी और d2 का स्क्वायर लिख दिया ठीक है कोई प्रॉब्लम ठीक है तो 32 म्यू अगर म्यू अपॉन रो मैं यहां पे कर देता हूं म्यू अपॉन रो ठीक है म्यू अपॉन रो कर देता हूं और हो जाएगा v2l अपॉन यहां बचेगा g d2 का स्क्वायर ठीक है हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं तो तो म्यू बराबर हमारा क्या होता है डायनेमिक डायनेमिक विस्कोसिटी विस्कोसिटी अपॉन अपॉन डेंसिटी डेंसिटी स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट डी टू का स्क्वायर निकल के आएगा ठीक है तो यहां पे हम क्या करेंगे यहां पे हम क्या करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो करेंगे स्टूडेंट तो क्योंकि म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है तो म्यू की वैल्यू हमको दे रहे तो सीधे सीधे यहाँ पे पुट करेंगे उसको निकालने की हमको जरूरत नहीं पड़ने की है तो थर्टी टू मल्टीप्लाई न्यू की जो हमको वैल्यू दे रखी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखा है नाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड तो नाइन सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड दे रखा है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नाइन इंटू टेन की पावर माइनस के फोर हो जाएगा और यहाँ पे वैलुसिटी जो हमको वी टू की जो वैल्यूसिटी निकल के आई है और वी टू की वैलुसिटी हमारी कितनी निकली जीरो पॉइंट फोर नाइन सेवन कितने निकल गई है जीरो पॉइंट फोर नाइन सेवन थ्री मल्टीप्लाई हमको दे रखा एक हजार हमारी मीटर लेंथ दे रखी है जी देखेंगे नाइन पॉइंट एट वन इंटू डी टू हमको कितना दस सेंटीमीटर में निकाला देंगे दस का हमारा हो जाएगा ये यहाँ पे करेंगे मीटर में देखेंगे यहाँ पे जो हमारा हेड निकालेंगे हेड लोसो मीटर में है तो सारी वैल्यू हम किस में लेंगे मीटर में लेंगे तो जीरो पॉइंट वन जीरो का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो ये वैल्यू कहाँ कहाँ से आई पीछे में आगे ज्यादा जाऊँगा तो पीछे हो जाएगा बहुत ज्यादा वो तो वी टू की वैल्यू हमारी देखो यहाँ पे आई थिंक वी वन की वैल्यू है ये देखो तो वो v2 की वैल्यू एरी मीटर में 0.4973 तो वहीं पे मैंने ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है 0.4973 ठीक है ये हमको काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमको दे रखा है इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से यहाँ पे हमको hl बराबर हमको कितना निकल गया है देखेंगे स्टूडेंट तो 32 मल्टीप्लाई 9 मल इक्वल करेंगे और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे नाइन पॉइंट एट वन मल्टीप्लाई पॉइंट वन मल्टीप्लाई पॉइंट वन तो वैल्यू आएगी वन फोर फाइव नाइन कितना रहा है वन फोर फाइव नाइन तो यहाँ पे वैल्यू आएगी वन फोर फाइव नाइन वन फोर फाइव नाइन पॉइंट नाइन सिक्स यहाँ पे देखेंगे टेन की पावर थ्री प्लस के टेन की पावर माइनस के फोर तो टेन की पावर माइनस के वन बचेगी तो इसके एच एल बराबर हमारा हो जाएगा वन फोर फाइव पॉइंट नाइन नाइन सिक्स मीटर ऑफ ऑयल मीटर ऑफ ऑयल दिस इज दॉस दिस इज loss निकल के आया ये हमारा क्या निकल के आया ठीक है, पर? है? ये कितना निकल का पर हमारा हेड लॉस निकल के आया ओके अब आगे तरफ बात करेंगे यहाँ पर आगे तरफ बात करेंगे तो आगे हमको यहाँ पे क्या निकालना है स्टूडेंट पावर लॉस निकालना है पावर लॉस इन विस्कस फ्रिक्शन तो बात करेंगे स्टूडेंट पावर लॉस की तो पावर लॉस इन फ्रिक्शन पावर लॉस्ट इन विस्कस फ्रिक्शन ठीक है इन विस्कस फ्रिक्शन तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है ये और सारे क्वेश्चन पीछे वाले डेरिवेशन के ऊपर है तो कल जो हमने डेरिवेशन कराया था वो भी काफी था और यहां पे जो क्वेश्चन होगा वो भी काफी लेंथ तो पावर लोस्ट इन विस्कस फ्रिक्शन ठीक है तो पावर लॉस निकालेंगे विस्कस फ्रिक्शन में तो इसका स्टूडेंट फॉर्मुला हमारा क्या होता है गामा सॉरी गामा गामा क्यू गामा क्यू

नाइन फाइव वन फाइव पॉइंट सेवन ठीक है नाइन फाइव नाइन फाइव वन फाइव पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई हमारा जो टोटल डिस्चार्ज था वो कितना था हमारा स्टूडेंट बारह ठीक है बारह लीटर पर सेकेंड था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसको किस में लिखेंगे मीटर में लिखेंगे ठीक है मीटर में लिखेंगे तो बारह अपॉन एक हज़ार से उसको मल्टी डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई एच की वैल्यू अभी पीछे हमारी कितनी आई थी एच की वैल्यू निकल के मीटर में निकल के आई तो वन एक सौ पैंतालीस पॉइंट नाइन नाइन सिक्स वन फोर फाइव पॉइंट नाइन नाइन सिक्स तो यहाँ पे हो जाएगा वन फोर नाइन पॉइंट नाइन नाइन सिक्स वन फोर नाइन पॉइंट नाइन नाइन सिक्स वन फोर नाइन पॉइंट नाइन नाइन सिक्स निकल के आएगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा पावर लॉस निकल के आएगा तो कितना निकल के आएगा स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर तो नाइन फाइव वन फाइव पॉइंट सेवन ठीक है मल्टीप्लाइड बारह मल्टीप्लाई वन फोर नाइन पॉइंट नाइन नाइन सिक्स इक्वल डिवाइड बाई करेंगे वन थाउजेंड तो वैल्यू आएगी हमारी सत्रह एक सौ कितनी आएगी स्टूडेंट सत्रह एक सौ सत्ताईस ठीक है सत्रह एक सौ सत्ताईस एक बार दोबारा कर लेते हैं तो नाइन फाइव वन फाइव पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई बारह मल्टीप्लाई वन फोर फाइव हमारा किसकी वैल्यू है अचल की वैल्यू कितनी निकल के आई थी वन फोर्टी फाइव है सॉरी वन फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन नाइन सिक्स वन फोर्टी फाइव है ये इसको सही कर लेना वन फोर्टी फाइव पॉइंट नाइन नाइन सिक्स वन फोर्टी फाइव है ये ठीक थी? है तो 12 मल्टीप्लाई वन इक्वल डिवाइड करेंगे हम किससे डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारा निकल के आएगा ये निकल के आएगा 1667 तो आएगा 1667 10 ठीक है 1667.04 ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे हमारे मीटर में है तो इसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे तो एक हजार है पावर लॉस बाय द फ्रिक्शन दैट इज दिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन किलो वाट, वाट, तो वाट. कितना निकल के है सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन किलो वोट यहाँ पे हमको पावर निकल कर आई है अब बात करते हैं स्टूडेंट आगे की तरफ नाउ एज्यूमिंग देखते हैं नाउ

As 65, हम करते हैं क्योंकि इतनी होती हमारी तो द पावर ऑफ पंप तो पे की कितनी होगी हाँ पे देखेंगे तो हमारी कितनी है overall efficiency की हमारी जो value निकल के आई है तो यहाँ पे बात करेंगे द पावर ऑफ द पंप तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ओवरऑल इफिशियंसी बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट कहने का मतलब क्या होता है हमारे जो इफिशियंसी होती है ओवरऑल इफिशियंसी दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट ठीक है तो यहां पर हम बात करें एज्यूमिंग द ओवरऑल इफिशंसी हमारी होगी सिक्सटी फाइव परसेंट द पावर ऑफ पंप मतलब हम पावर कितना दे रहे हैं पंप को ठीक है तो हम कहने का मतलब क्या है हम पावर कितना दे रहे हैं पंप को वो हमको यहाँ पे निकालनी है तो क्या हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट तो आउटपुट हमको कितना निकल के आया दैट इज़ द सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन अपॉन ओवरऑल इफिशेंसी जीरो पॉइंट सिक्स फाइव हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी इसको तो सिक्सटीन को डिवाइड करेंगे सिक्स uh, से से डिवाइड करेंगे तो तो निकल के आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे ठीक है इतना हमको पावर क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट पे हमको इनपुट देने पड़ेगा इतना पावर हमको देना पड़ेगा किसको हमको पंप को इतना पावर हमको देना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे बात करते हैं रिनोड्स वो सॉरी राइनोड नंबर की रिनोड्स नंबर की बात करते हैं किसकी बात करते हैं नंबर की बात करते हैं तो रिनोड्स नंबर ऑफ फ्लो इन टेन सेंटीमीटर डायमीटर पाइप बात करते हैं रिनोड्स नंबर नंबर फ्लो इन सेंटीमीटर पाइप तो रिनोड्स नंबर देखेंगे टेन सेंटीमीटर पाइप में तो स्टूडेंट क्या होता है रिनोड्स नंबर हमारा होता है आर तो हमारा जो आर टू होगा वो आर टू इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या होता है मतलब वेलोसिटी डायमीटर अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो वी टू की वैल्यू हमारे कितनी निकल के आई थी वी टू की वैल्यू है जीरो पॉइंट फोर नाइन सेवन थ्री जीरो पॉइंट फोर नाइन सेवन थ्री निकल के आई थी इसका डायमीटर टेन हो जाएगा तो टेन का हो जाएगा जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन हो जाएगा ठीक है टेन का मीटर में कन्वर्ट करेंगे जीरो पॉइंट वन अपॉन हमारी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी थी वो हमारी कितनी निकल के आई थी स्टूडेंट वो निकल के आई थी हमारी नाइन इंटू टेन की पावर माइनस के फोर किसमें मीटर में इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसको देखेंगे स्टूडेंट इसको यहाँ पे वैल्यू को देखेंगे तो कितने वैल्यू निकल के आएगी देखेंगे यहाँ पर तो पॉइंट फोर नाइन सेवन थ्री पॉइंट फोर नाइन सेवन थ्री मल्टीप्लाई पॉइंट वन इक्वल डिवाइड बाई करेंगे नाइन से तो हमारा आंसर आएगा स्टूडेंट फाइव पॉइंट फाइव टू फाइव फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव टू ठीक है की पावर हो जाएगा प्लस के की पावर तो वन बचेगा प्लस के वन बचेगा तो यहाँ पे, हमारा।, यहाँ पे, यहाँ पे फॉंट फॉंट तो हमारा हो जाएगा फिफ्टी फाइव पॉइंट टू फाइव फिफ्टी फाइव पॉइंट टू फाइव हमारा रिनोड्स नंबर आएगा ठीक है कितना आएगा रिनोड्स नंबर आएगा तो मैंने आपको बताया था अगर हमारा

नंबर इन 12 सेंटीमीटर पाइप तो 12 सेंटीमीटर पाइप में देखेंगे स्टूडेंट तो यहां पे आर वन इक्व टू हो जाएगा हमारा बी वन डी वन अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो वेलोसिटी जो हमारी बी वन की निकल के आई थी कितने जीरो पॉइंट थ्री फोर जीरो पॉइंट थ्री फोर जीरो पॉइंट थ्री फोर फाइव थ्री ठीक है फाइव थ्री मल्टीप्लाई ये हो जाएगा जीरो पॉइंट वन टू हमारा जो डायमीटर दे रखा है और हमारा हो जाएगा नाइन इंटू टेन के पावर माइनस के फोर तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देखेंगे कितनी वैल्यू निकल के आएगी तो पॉइंट थ्री फोर फाइव थ्री ठीक है मल्टीप्लाई पॉइंट वन टू इक्वल हमारा आएगा इसको डिवाइड कर देंगे नाइन से तो हमारा वैल्यू आएगा फोर पॉइंट सिक्स फोर फोर पॉइंट सिक्स जीरो फोर इंटू टेन की पावर माइनस के थ्री और इंटू टेन की पावर प्लस के फोर तो यहाँ से निकल के आएगा फोर्टी सिक्स तो रिनोट्स नंबर हमारा जो आर वन पाइप में था वो कितना आएगा फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो फोर कितना आएगा फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो फोर और दिस इज द वैल्यू दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द टू थाउजेंड एंड वी कैन से द फ्लो इन द पाइप वन दैट इज द लेमिनार फ्लो एंड फ्लो इन द पाइप टू दैट विल बी ऑल्सो इन द लेमिनार फ्लो बिकॉज देयर वैल्यू इज मिनिमम ऑफ द टू थाउजेंड एंड वी नो that the value of the 2000 minimum that is the flow is that laminar flow if वैल्यू ऑफ द अब इन फोर थाउजेंड दैट द फ्लो इज कॉल्ड द टर्बुल तो इस कंडीशन में हमने यहां पर देखा पाइप में कि हमारा जो पाइप है उसमें जो हमारा फ्लो है डेट इज दंप क्वेश्चन में क्या रहता है पंप है जो पंप क्या कर रहा है ओयल को खींच रहा है ओयल को ऊपर की तरफ खींच रहा है तो वहां पर क्या मतलब पंप को कितना हमको वर्क देना पड़ रहा है वो हमने निकाला कितना वर्क देना पड़ रहा है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर सिक्स फाइव ठीक है इतना हमको इनपुट उसको देना पड़ रहा है और आउटपुट वो हमको दे रहा है ओवरऑल इफिशेंसी हमने एज्यूम कर सिक्सटी फाइव क्योंकि कोई भी हमारा जो सिस्टम होता है मशीन होता है उसकी जो हमारी मतलब जो हमारी इफिशंसी निकल के आती है वो नियर अबाउट सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवेंटी इतने तक आती है ठीक है इसलिए हमने एज्यूम करा यहाँ पर सिक्सटी फाइव को ठीक है आप भी यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे हमने क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था कि हमको कितना पावर देना पड़ेगा पंप को तो हमने पावर कितना देना पड़ेगा ट्वेंटी सिक्स फाइव क्लो वर्ट के हमको पावर देनी पड़ेगी और जो हमारा डिस्चार्ज था वो कितना हमको निकालना है वो हमने यहाँ पे स्टूडेंट देखा ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या करा यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सोल्व करा इस तरीके से क्या करेंगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ठीक है तो स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें थैंक यू ऑल द बेस्ट